जेटीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओडीएम महाविद्यालय में सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए महाविद्यालय के नॉलेज पार्टनर जेटीसी आईएएस हिसार की तरफ से हम आपको प्रतिदिन उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। सो इस कड़ी में आज हम आपके साथ बात करेंगे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 के बारे में। 7वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया। अब ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट क्या है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। इसके सदस्यों में संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल है। यह गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा। यह वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा। इस नए गठबंधन में भारत का शामिल होना वर्तमान दशक के अंत तक वन और वृक्षों के आवरण का विस्तार करके 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन ऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC के अनुरूप है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट कैसे काम करेगा? इस नवगठित गठबंधन ने स्वैच्छिक दृष्टिकोण अपनाया। इसके सदस्य मैंग्रोव वनों को लगाने और बहाल करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और ज्ञान साझा करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता निर्धारित कर सकते हैं। गठबंधन सदस्य देशों द्वारा मैंग्रोव अनुसंधान, प्रबंधन और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण और जलवायु शमन तथा अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्रों में कार्यान्वित परियोजनाओं का समर्थन करेगा। सामूहिक रूप से गठबंधन के सदस्य मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र और संरक्षण अभियानों के विस्तार के माध्यम से प्रकृति आधारित समाधान की क्षमता को अधिकतम करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे। यह नवाचार और अनुसंधान के साथ साथ वैज्ञानिक और सामाजिक आर्थिक अध्ययनों को बढ़ावा देकर मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की जलवायु परिवर्तन शमन क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। क्या है महत्व मैंग्रोव का? मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से है। वे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सहलाभ प्रदान करते हैं क्योंकि वे भूमि आधारित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में कार्बन का 400% तक तेजी से भंडारण करने में सक्षम है। वे समुद्र के बढ़ते स्तर, कटाव और तूफानी लहरों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। वे समुद्री जैव विविधता के लिए प्रजनन आधार प्रदान करते हैं। वैश्विक मछली आबादी का लगभग 80% अपने अस्तित्व के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। यदि आप भी प्रतिदिन ऐसी प्रासंगिक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5160448492 या 9560448492। इस पर आप अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं।